एरोक्स का ही जो क्रैश गार्ड है 2500 और जो क्लैंप है वो 350। पे आता हूँ। एरोक्स खरीदने के तुरंत बाद ये स्कूटी का एक ब्रीफ स्पेसिफिकेशन अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। हाल ही में उड़ीसा में एक हफ्ते का राइड करके मैं आ चुका हूँ एरोक्स के साथ, जो कि मेरे लिए एक टूर के साथ एक टेस्ट राइड भी था आने वाला लंबी जर्नी के लिए। मुझे पता करना था कि एक लॉन्ग एडवेंचर राइड में निकलने से पहले कौन सा बेसिक कस्टमाइजेशन का जरूरत है। स्कूटी को ले गया वेलिंगटन बाइक मार्केट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो था एरोक्स का क्रैश गार्ड। दो तीन पॉपुलर दुकान में घूम लिया। एरोक्स का कैसा गार्ड मिलेगा? चाहता था कि सामने भी ऐसा सपोर्ट रहे। क्रैश गार्ड टाइप? हाँ, क्रैश गार्ड वैसे नहीं, क्रैश गार्ड टाइप का नहीं होगा। हम लोग के पास गार्ड टाइप का होगा, स्कूटी में जैसे गार्ड लगा रहता है। इसका क्रैश गार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? उस पार जाके चेक करते हैं। क्रैश गार्ड नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। स्कूटी का एक बॉडी गार्ड तो मिल गया, लेकिन वो सारा चीज इंस्टॉल नहीं कर पाता जिसका मेरा रिक्वायरमेंट था। अल्टीमेटली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला सबसे पॉपुलर वाला दुकान, मोटर एंड साइकिल स्टोर, जो कि वेलिंगटन में काफी पुराना है। क्रैश गार्ड, नकल गार्ड, फॉग लैंप एक ही छत के नीचे मिल गया। पास वाले मैकेनिक से वो सारा चीज मैंने अपनी स्कूटी पे इंस्टॉल करवाया। चार्जेस भी बजट के अंदर लिया और उनका काम भी काफी काबिले तारीफ था। पहले इसका बंदोबस्त कर लेते हैं। लैंडमार्क HP पेट्रोल पंप। इस तरफ है चैंपियन दा का दुकान। बाइक या स्कूटी के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना चाहते हो तो ही इज द बेस्ट मैन फॉर दैट जॉब। यहाँ पर तो ऑलरेडी मुझे रेडीमेड मिल गया है, इसको मुझे पहले लगाना है, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा मैं सामने जाऊंगा चैंपियन दा के पास। संडे बंद रहता है ना वेलिंगटन मार्केट। गाड़ी में अभी कुछ नहीं लगा है, लेकिन जब ये रेडी होगा तो कैसा लगेगा भाई। जब ये रेडी होगा, मेरा क्रैश गार्ड वगैरह सब इधर है। हम सर्विस वालों के लिए ये बहुत दिक्कत वाला बात है कि संडे वेलिंगटन मार्केट बंद रहता है, 7 बजे तक ये काम चलता है। क्रैश गार्ड को मजबूत बनाने के लिए सामने के साथ अंदर से भी एक सपोर्ट लिया जा रहा है यहाँ से। रेड कलर का नकल गार्ड भी मैंने खरीद लिया है, जो कि मेरा गाड़ी का कलर के साथ एकदम मैच होता है। लाइट भी जलता है, इंडिकेटर के साथ इसको कनेक्ट कर लूंगा। सपना देखना आसान है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है और बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप लोग समझ ही गए हैं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं जब शूट कर रहा हूँ, अब शायद नज़र में है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरा फेस थोड़ा लाल है, हाथ देखिए पूरा लग रहा है कि नहीं कि मैं मर्डर करके आया हूँ। ऐसा नहीं है, होली के टाइम में शूट कर रहा हूँ भैया। ये है इंस्टा 360। हाल ही में होली गया है तो रंग अभी तक गया नहीं है मेरे हाथों से। क्रैश गार्ड इंस्टॉल्ड, फॉग लैंप इंस्टॉल्ड, नकल गार्ड इंस्टॉल्ड। भैया जिन्होंने हमारा काम किया है, आपका नाम? राजीव मंडल। बाबा जी कहीं से भी सामान लीजिए, काम इनसे ही आके कीजिए। पैसा लेके कोई भी जा सकता है, इनका सिर्फ उतना ही काम है। लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा सब कुछ पेशेंस के साथ समझाया, यही सबसे अच्छा लगा इनके बारे में। इतना जो सामान लिया उसका पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। लाइट, नकल गार्ड, स्विच, क्रैश गार्ड, क्लैंप। HJG का दो फॉग लैंप 2400 रुपए, नकल गार्ड 700, स्विच 250। एरोक्स का ही जो क्रैश गार्ड है 2500 और जो क्लैंप है वो 350। 6200 रुपए फाइनली। एरोक्स का जो क्रैश गार्ड है ये इम्पोर्टेड है या लोकल है, मतलब इसका कोई इंडियन कोई कंपनी का नाम है ये क्रैश गार्ड का? LGP। सच में यहाँ आके पता चल गया ये शॉप इतना फेमस क्यों है। इतना सारा दुकान देख लिया, कोई भी मुझे एरोक्स का परफेक्ट क्रैश गार्ड नहीं दे पाया। चलते हैं, इतना बड़ा सा डिब्बे में मेरा पेट्रोल जेरिकेन है, आगे जाके चैंपियन भैया की दुकान में इसको इंस्टॉल करवाना है और पीछे टेल रैक भी लगाना है। तुरंत उसके बाद मैं वेलिंगटन बाइक कस्टमाइजेशन किंग जो माना जाता है चैंपियन दा के दुकान में गया और उन्होंने मुझे बताया कि अपना स्कूटी में बाकी सारा जो भी काम है वो करके ही उनके पास आने के लिए। उनके दुकान में गजब भीड़ रहता है, आप अपना गाड़ी उस लेन में घुसा ही नहीं सकते हो। हमारा खाली होले तब नहीं, अपने मार्केट
যা যা কাজ আছে সব করে নিই। লাস্টে আমার কাছে আসবেন, মার্কেটে কিছুই কাজ নেই, আপনারই কাজ। সিট ফিট বললেন বানাবেন, সিট কভারটা লাগাবো, ওইসব করে নিন না, তারপরে আমাকে দেবেন। এইটা নিয়ে করে ঘুরছেন, রেখে দিন এইটা আপনার কাছেই রেখে দেবো। এর মধ্যে লক ফক সব আছে, ঠিক আছে রেখে দিন আপনার কাছে। আমি তাহলে সিট কভার লাগিয়ে আসছি। খানা পিনা সব ভুল গিয়া অর্পিত यार, তুজকো ভি ফ্রেম মে আনা থা। এই फिर मैं गया एक सीट कवर के दुकान में। सीट कवर का काम होगा? होगा। ये तो खिसकते जाता है सामने, थोड़ा नरम होना चाहिए। यहाँ ठीक है, ये तो सही है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दिखाइए। ये रहा गद्दी, हाँ दीजिए, ऐसे ही चाहिए तो आप? हाँ 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 ऐसे ही चाहिए। सामने वाला ऊंचा कीजिएगा, कितना खर्चा होगा इसके ऊपर बताइए। डायरेक्ट कमा के आगे चले जा रहे हैं। हाँ नहीं, पर बैठे रहेंगे, आगे ले जाएंगे। नाम क्या है उनका? सीट कवर लगवाने में मेरे पॉकेट में एक लंबा चौड़ा छेद हो गया। फिर से गया चैंपियन दा के पास जेरिकन सेटअप, टेल रैक और फ्लैग पोल इंस्टॉल करवाने। मन हुआ और आप आ गए ऐसा नहीं है। चैंपियन दा के पास आने से पहले एक बार फोन कर लीजिए और आपका जो काम है उनके साथ थोड़ा डिस्कस करके आइए, नहीं तो आप देख ही चुके हैं। सुबह आया और रात होने को है, रात हो ही गया ऑलमोस्ट, है अभी भी इधर। वेल्डिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। चैंपियन दा ने इसको कलर भी कर दिया अलग से, पूरा कपड़ा लगा के, ताकि आपका गाड़ी का पेंट खराब ना हो। फ्लैग पोल भी लगा लिया हूँ अलग से, डिटेचेबल है। वेल्डिंग करके भी लगा सकता था, लेकिन सामान अगर सामने पीछे करना है तब मुश्किल हो जाएगा। इसको रस्सी से बांधूंगा, जहाँ पर जरूरत है उसके हिसाब से। चैंपियन दा का पेमेंट क्लियर करते हैं। कम होगा कुछ ये पूछना गलत है फिर भी? नहीं, आपको कम करेगा तो दे दिया, हमका पैसा नहीं लेगा। नहीं सच में आप मतलब आप बहुत सीरियसली काम करते हैं। ये गाड़ी को लेके जाना है मंजिल तक, मंजिल तक, मंजिल तक। जिनको भी गाड़ी का काम कराना हो देख लीजिए दुकान, आ जाइए चैंपियन दा के पास। थैंक यू चैंपियन दा। वेलिंगटन बाइक मार्केट छोड़ के मैं निकल रहा हूँ, ऑलमोस्ट रात के 9 बजे, आया था सुबह 10 बजे। 11 घंटे बिताने के बाद रिटर्न जा रहा हूँ। जो काम नहीं हुआ वो है एरोक्स में ऑफ रोड टायर लगाना। इस स्कूटी का टायर का जो डायमेंशन है उस साइज का अभी तक ऑफ रोड टायर बना ही नहीं कोई भी ब्रांड से, मुझे तो कहीं मिला नहीं। अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ मिल जाता है तो दोस्त ज़रूर मुझे हेल्प कीजिएगा। मैं 1.5 महीने के अंदर निकलने वाला हूँ और मुझे ऑफ रोड टायर की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाला हूँ उस टेरेन में ये टायर नहीं चलेगा। ऑफ रोड टायर होता तो सेफ्टी ज़्यादा होता। आप लोगों को पता है कि ये डायमेंशन का थोड़ा ब्रांडेड अच्छा वाला ऑफ रोड टायर मुझे कहाँ मिलेगा, तो ज़रूर मुझे लोकेशन दीजिएगा। फिलहाल मुझे जितना लग रहा है मेरे जाने से पहले मुझे ऑफ रोड टायर नहीं मिलेगा और मुझे ऑन रोड टायर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये रहा मेरा एरोक्स की कस्टमाइजेशन, जो कि आगे आने वाला जर्नी सीरीज की तैयारी का फर्स्ट वीडियो के रूप में आप लोग देख रहे हो।
जेरिकन होल्डर का इंस्टॉलेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा नजदीक से दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये जेरिकन मैंने लिया लॉन्ग हॉल से, दोनों तरफ जेरिकन लगवाया 5 लीटर करके, तो 10 लीटर पेट्रोल आ जाएगा इसके अंदर। दोनों का खर्चा आया ऑलमोस्ट 5,600 रुपए। पहले जो जेरिकन आता था उसमें ये लॉक फैसिलिटी नहीं रहता था, सिर्फ आपको ऐसे लगाने का ऑप्शन था। अभी ये लॉक ऑप्शन आ गया है, तो आप लॉक को ऐसे खोल के आप जेरिकन निकाल के पेट्रोल रिफिल कर सकते हो। अगर आपको होटल के अंदर चेक इन करना है तो ये लॉक करके आप जा सकते हो, ये कहीं नहीं मूव होगा और आपका जेरिकन सेफ रहेगा। पहले जेरिकन होल्डर बिना लॉक का चोरी होने का चांसेस रहता था और होटल में भी अलाउड नहीं करता था रूम के अंदर। अभी आप गाड़ी के साथ ही छोड़ सकते हो और लॉक करके, ये कहीं से भी निकलेगा नहीं और चोरी होने का जो चांसेस है वो नहीं रहेगा। दो की आएगा, ऐसे आपको घुमा के खोल लेना है। आपको जो स्पेस दिख रहा है वहां पर ये चला जाएगा, नट वहां पर फिक्स हो जाता है ऐसे घुमाने से, तो ये टाइट हो जाता है वो जगह में। ये निकाल के मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे आएगा और आपका जेरिकन बाहर निकल आएगा। ये वाला पोर्शन पीछे जो सपोर्ट है, ये वाला मेटालिक प्लेट, ये नट, सारा चीज मेरा उसके साथ ही आया था, सिर्फ इतना पोर्शन। क्रैश गार्ड के साथ लगाने के लिए यू शेप्ड हुक भी आया था, क्रैश गार्ड के पीछे से ऐसे ये दोनों हुक को आना था और ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं ना, पूरा चीज यहाँ पर फिक्स होना था, ये हुक में फिक्स होना था। मेरा जो जर्नी होगा ऑफ रोडिंग में, गाड़ी बहुत शेक करेगा और ये 5 लीटर का जेरिकन पूरा वेट के साथ रहेगा, अगर बाई चांस ये हुक लूज हो जाए और खुल जाए रास्ते में। इसलिए मैं ये हुक यूज किया ही नहीं। ये वाला जो मेटालिक रिंग है इसको देखिए, पीछे से यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया यही क्रैश गार्ड के साथ, तो ये और मजबूत हो गया। नीचे भी दो नट्स, ऊपर भी दो नट्स, चारों तरफ से ये फिक्स हो गया है। कितना भी आप वजन डाल दो यहाँ से अभी ये टूटने वाला नहीं है। काफी सारा लोग बाइक में ये हुक यूज करता है जो कि इसके साथ आता है, आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा और सेफ्टी प्रिकॉशन लेना था इसलिए मैंने बिना हुक यूज किए यहाँ पर वेल्डिंग करवा लिया परमानेंटली। बीच से भी एक सपोर्ट आया है, ये सामने भी गया है, तो दोनों तरफ से सपोर्ट है, यहाँ पर जेरिकन लगेगा, कहीं से भी ये गिरने वाला नहीं है। एयर रिलीज का जगह दिया गया है, आप पेट्रोल भरने से पहले ये खोल के इसके अंदर जो ट्रैप्ड एयर है उसको रिलीज कर सकते हो। पेट्रोल भरना है यहाँ से, इसके अंदर पाइप भी है। गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आपको अलग से फनल या पाइप कड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे भर सकते हो। ये लग जाएगा ऐसे, ये हो गया आपका फिक्स। मेरा पेट्रोल इनलेट स्पेस सामने है, इसको खोल के आप ऐसे इसके अंदर डाल सकते हो। जेरिकन होल्डर के साथ ही आपको ये सारा ऑप्शन आ जाएगा, यही सबसे इसका खासियत है। टेल रैक तो मैंने इंस्टॉल करा लिया लेकिन कोई टॉप बॉक्स नहीं लगवाया, क्योंकि ये जर्नी में मुझे एक पॉपअप टेंट रखना है, पीछे में कैंपिंग करना है। ये जो टेंट होगा काफी चौड़ा होगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा। पीछे वाला जो स्पेस है ये मुझे चाहिए, नीचे से यहाँ से एक सपोर्ट लिया है और सीट के नीचे से मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इसके अंदर से दो सपोर्ट गया है। ड्रोन होल्डर खरीदा था उसको मैंने सोचा था ये दोनों मिरर के बीच में एक हैंडल बार अलग से एक्सटेंशन करके लगवा लूंगा और उसके बीच में मैं ड्रोन जो रिमोट होल्डर है उसको लगा लूंगा। ड्रोन का मूवमेंट मुझे राइड करते हुए मॉनिटर करना है। ड्रोन होल्डर अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आगे जाके आपको जर्नी सीरीज में पता चल ही जाएगा। ये राइड वाला मिरर में मेरा ड्रोन होल्डर अच्छे से फिक्स हो रहा है, इसलिए मैं वो एडिशनल हैंडल बार नहीं लगवाया। दोनों 8JG का फॉग लैंप लगा हुआ है, 60W 60W 120W। सामने से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जेरिकन होल्डर के साथ एरोक्स का भी ये क्या मस्त लोग आ रहा है। थोड़ा सा साइड से भी मैं दिखा दे रहा हूँ, नकल गार्ड के साथ ये जेरिकन होल्डर का जो कलर है ये भी मैच हो गया है। दोपहर का टाइम है इसलिए आप लोगों को फॉग लैम्प का जो पावर है ये समझ में नहीं आएगा, ये रात में जब मैं चलाऊंगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। सामने से ऐसे खोल देने से ये भी आप यूज कर सकते हो और इसमें ऐसे अगर आप फिल्टर डालना चाहते हो तो ऐसे भी आप चला सकते हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा, अगर आप गाड़ी चलाते हो हाईवे में फॉग लैम्प के साथ, प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। जो आ रहा है आपके सामने से उसके आंखों में जब गिरता है ना वो पूरा ब्लाइंड हो जाता है। अपने अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, इसको ऑफ कर दीजिए। बार बार आपको स्विच दबाना पड़ेगा मुझे समझ में आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते है, क्या है ना, आपका भी फैमिली है और जो आपके सामने आ रहा है उसका भी फैमिली है। नकल गार्ड है, इसमें भी लाइट ऐसा है, सामने से भी प्रॉपर इंडिकेशन मिलेगा। फ्लैग पोल जो है वो घर पे ही छोड़ के आया, जर्नी में ही आप लोग देखेंगे। कुछ लोगों से मुझे ये भी रिकमेंडेशन आया था कि ये जो जेरिकन है दोनों ऐसे सामने लगाना अनसेफ है, क्योंकि बाई चांस अगर स्कूटी स्किट हुआ गिरने का इम्पैक्ट से जेरिकन में आग भी लग सकता है। ये मेरे दिमाग में भी था लेकिन पहले तो आपको ये चीज समझना होगा, ये स्कूटी है, इसका बॉडी बिल्ड इनफील्ड जैसा नहीं है। यहाँ पर आप अपना जेरिकन कहाँ रखेंगे? पहले तो ये मैक्सिस स्टाइल स्कूटी है, जो पेट्रोल रखने का जगह नॉर्मल स्कूटी में होता था वो यहाँ पर नहीं है, तो ये जगह आपका गया। यहाँ पर मैं अपना टैंक बैग रखता हूँ। जेरिकन आपको अगर पीछे भी लगवाना है, अगर गाड़ी गिरता है तो जेरिकन में ही आपका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सैडल बैग मैं कैरी करने वाला नहीं हूँ। सैडल बैग अगर दोनों साइड में रहता है, एटलीस्ट स्कूटी चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्कूटी का पावर बाइक जैसा नहीं होता है। सामने कोई लेग गार्ड
नहीं है, पीछे जेरिकन लगाए या सामने लगाए, गाड़ी से अगर आप गिरते हो इम्पैक्ट सेम ही होगा। दूसरा चीज, हाईवे में जब हम गाड़ी चलाएंगे तब तो जेरिकन खाली रहेगा जहाँ पर 60-70 का स्पीड मेंटेन होगा। एक बार पहाड़ में चला जाऊँ वहाँ पर ऑलरेडी मेरा स्पीड कम होगा। बाई चांस गाड़ी स्लिप भी होता है और मैं गिरता भी हूँ, इसका क्वालिटी और बिल्ड इतना अच्छा है आसानी से फटने वाला नहीं है। मेरा स्कूटी का मॉडल के हिसाब से कहीं से भी ये जेरिकन कोई और जगह था ही नहीं लगाने के लिए। सबसे बड़ा चीज, अगर जेरिकन मैं पीछे लगा लेता हूँ मेरा टेंट रहेगा, बैग रहेगा, 20-25 किलो का इक्विपमेंट उधर ही रहेगा, तो ये जेरिकन जैसे ही पीछे आ जाएगा तो 5-5-10 लीटर ऑलमोस्ट 10 kg का वजन फिर से पीछे बढ़ जाएगा, गाड़ी का जो बैलेंस खराब हो जाएगा। और ये स्कूटी है, इंजिन का पावर है वो बाइक जैसा नहीं है, जब बैठते हमारा वेट भी पीछे ही रहता है, गाड़ी चढ़ नहीं पाता, ये वजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और गाड़ी का इक्विलिब्रियम बना रहता है और चढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। सारा लोड मुझे पीछे नहीं देना था, कुछ लोड आगे डाल के इसको बैलेंस भी करवाना था, क्योंकि इतना लंबा जर्नी में मैं जब जा रहा हूँ ये सारा छोटा छोटा चीज मुझे सोच के ही आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली मैं अपना स्कूटी को ले गया सेकेंड फ्री सर्विस के लिए, इंजिन ऑयल और गियर बॉक्स ऑयल, बाकी सारा मैंडेटरी चेकअप्स भी करवा लिया और वहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूज, स्पार्क प्लग, ये सब चीज भी मैंने खरीद लिया। तो अगर आप लोगों को अपना स्कूटी या बाइक कस्टमाइज करवाना है तो बेझिझक वेलिंगटन से करवाइए, उससे बेहतरीन जगह कोलकाता में आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलता हूँ कोई एक और वीडियो में आप लोगों को पकाने के लिए, थोड़ा सह लीजिएगा। अगर आप लोग जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे आपको ये वीडियो में मिल गया तो कुछ नहीं दबाना है, मैं ये सब बोल के किसी को पकाता नहीं हूँ। सो बाय बाय फोक्स।